जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए भाई, आपके लिए यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चे कि कल जो आपका एग्जाम हुआ है, आज भी जो एग्जाम सुबह शिफ्ट में, सुबह की शिफ्ट में हो चुका है। यदि इन सभी एग्जाम्स को देखा जाए तो मैक्सिमम वही लेवल इन्होंने दिया हुआ, कि आपका जो एग्जाम आया हुआ आपने भी देखा होगा कि आपके एग्जाम में क्या आया हुआ। एक आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आपका गिवन है ना, लगभग 7 to 8 आपकी वो कैब, जो एक अंदाजा लगाया गया था वही आपकी वो कैब आई हुई है। और वही है, वही काम किया एसएससी ने जो हमेशा होता है, पीवाईक्यू से उठा के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो पीवाईक्यू डाला हुआ है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं दिया हुआ है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैं कहता हूं आपके एग्जाम में सेम कॉपी डिक्टो कॉपी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, है ना। बस थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, यही चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी, सब कुछ आपको एग्जाम में मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्लीज आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या होगा। जल्दी से एक एक बच्चा सोच समझ के चलिए, कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे जवाब देने की। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। बस अब केवल 5 दिन की बात है भाई, 5 दिन जिसका एग्जाम बेस को है, 4-5 दिन अच्छे से पढ़ लो। मैं कहता हूं तुम लोग जंग को जीत जाओगे, है ना, जंग जीत जाओगे। यदि सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी जॉब है जो आपको मिलेगी, बहुत ही बढ़िया जॉब मिलेगी यदि सिलेक्शन हो गया तो, है ना। और इंग्लिश सबसे मेन है, ये आप लोग जानते हो, मुझे बताना ना पड़े, क्योंकि आप सभी को पता है इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है उस एग्जाम में। ओके, चलेगा। चले देखिएगा, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे भाई। कोई बात नहीं, हम अब बिल्कुल एंड पॉइंट तक आप लोगों के साथ हैं, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, बेस को एग्जाम है तो बेस का भी एनालिसिस आपको देंगे कि एग्जाम में क्या कुछ आया था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। चलिएगा, यहां पे जाओगे बेटा, इस क्वेश्चन को देखोगे ना, यहां पे बोला गया आउटसाइड। आउटसाइड ने काम किया यहां पे, एक प्रेपोजिशन का काम किया। आगे जाओगे, द रेन यहां पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बीट यहां पे क्या हुआ, वर्ब हो गई। बीट डाउन आपका यहां पे एज ए फ्रेजल वर्ब बोल सकते हो, यूज हुआ। आगे ऑब्जेक्टिव केस बेटा यहां पे इन फ्लड्स एंड द सी, ये आपका गिवन है। अगेन देखोगे रेन्स की अकॉर्डिंग यहां पे गिव्स एक वर्ब है, गिव फॉर। आगे बोला गया अ साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स, कई चीजें यहां पे दी गई है। यहां पे बोला गया अ साउंड लाइक एन अलार्म बेल, एन अलार्म बेल लिखा हुआ, तो मुझे लगता है यहां पे चीजें गड़बड़ है। यहां पे लिखा गया बेल्स, यहां पे लिखा हुआ। भाई साहब आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप समझ गए कि यहां पे बेल्स नहीं आएगा, क्योंकि यदि एन गिवन है तो एक बेल की बातें की गई है, तो यहां पे बेल्स कहना बेटा गलत हो जाएगा। बताइए आगे समझ में, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका एन अलार्म बेल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर्टिकल अ गिवन है, एन गिवन है, तो एन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नाउन होगा वो आपका यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चे, कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझने की, मुझे लगता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से एक एक बच्चे इस क्वेश्चन को समझिएगा, बताइएगा मुझे, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो,
चलिए भाई साहब ध्यान से देखिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहली बार मेरा पेपर है 20 को। ओके, कोशिश कीजिएगा बेटे, कोशिश कीजिएगा, अब बहुत अच्छा एग्जाम आएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जाओगे ना, ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसी के अकॉर्डिंग देखो, ये चीजें ना सबसे मेन होते हैं, यही चीज आपको वहां भी पढ़नी है। यदि सब्जेक्ट आपका गिवन है और सब्जेक्ट को सबसे पहले देखिएगा कि वो कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है या बच्चे ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, ये आपको सबसे मेन आपको देखना है। ठीक है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी वो भी आपका सिंगुलर फॉर्म में आएगा। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आपके प्लूरल ही आएगी। फाइनल हो, डन है ये भी। यहाँ पे जाओगे, चलिए तो यहाँ पे जाओगे गिव, यहाँ पे आपके क्या है वर्ब है, अस ने काम क्या किया, ऑब्जेक्ट का काम किया। यहाँ पे लिखो देखो, यहाँ पे द गिवन और द के साथ में मुझे लगता है एजीआर लगाना गलत हो जाएगा, है ना। तो द के साथ में यूज किसका होता है, द के साथ में बेटा जो यूज होता है वो आपका एजीएस्ट का यूज होगा। तो यहाँ पे एजीएस्ट कहना आपका बिल्कुल सही है, एजीआर लगाने से काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इन्होंने कहा आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरीज। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुझे लगता है सिंपल सा क्वेश्चन है, आई के साथ में डोंट यहाँ पे लिखा हुआ, एग्जाम यही गलती आपको देता है भाई। आपका जो लेवल है वो सीएचएसएल लेवल के इक्वल ही माना जाता है, तो सीएचएसएल के क्वेश्चन भी मैंने मैक्सिमम लिए है। तो यहाँ पे जाओगे देखो, यहाँ पे डोंट गिवन है, डू नॉट गिवन है, यदि डू यहाँ पे गिवन है, डिड यहाँ पे गिवन है, या यहाँ पे आपका क्या आ जाए, डू आ गया, डज आ गया और डिड आपका आ गया। तो इनके बाद आप सभी को बता कि आने वाला वर्ब हमेशा वी वन होता है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो यहाँ पे डोंट के साथ में बेटा हैव है, ये आपका वर्ब हो गया, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। एनी मनी, एनी वर्ड कब यूज होता है, एनी वर्ड तभी यूज होता है जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है, तभी तो एनी आता है। तो यहाँ पे डोंट आपका गिवन है, इसलिए हमने यूज किसका किया, एनी का यूज किया। और एनी के बाद बेटा यहाँ पे नाउन जो होता है, ये चीज लिख लेना, एग्जाम में आती है, एनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। एनी के बाद कोई भी नाउन आएगा तो वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़ने की, है ना। तो यहाँ पे एनी मनी आपका सही होगा, और उसके बाद बेटा यहाँ पे टू स्पेंड, टू के बाद जो वर्ब आती है वो वी बनाती है, इसलिए यहाँ पे स्पेंड कहना भी सही है। लेकिन जब भी कोई पैसा किसी वस्तु पे स्पेंड किया जाए, मान लिया आपने पैसा कहीं पे पैसा अपना इन्वेस्ट किया, कहीं पे स्पेंड किया है, तो जहां पे भी पैसा स्पेंड किया जाए हमेशा ऑन का यूज होता है। स्पेंड ऑन बैग्स, स्पेंड ऑन पेंसिल, स्पेंड ऑफ मैनी थिंग्स, स्पेंड ऑफ कार, स्पेंड ऑन कार, स्पेंड ऑन बाइक, है ना। तो वो आपका क्या आ जाएगा, हमेशा ऑन का यूज होता है, तो फोर यहाँ पे नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पे ऑन कहना सही होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा आई वॉज फर्स्ट, आई वॉज फर्स्ट कहना क्या सही है, या आई वॉज द फर्स्ट लिखे, आ गया ना समझ में। आई वॉज फर्स्ट यहाँ पे नहीं होगा, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बेटा एक यहाँ पे ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल को मैक्सिमम टाइम देखोगे आर्टिकल द की नीड होती है, मैक्सिमम टाइम देखोगे आर्टिकल द की नीड होगी। आई वॉज द फर्स्ट यहाँ पे कहना सही होगा, आई वॉज द फर्स्ट कहना बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पे आप लोग लगाइएगा द फर्स्ट यहाँ पे लगाइएगा। एक एडवाइस आप लोगों को देता हूं मैं सभी बच्चों को, एक कॉमन सी एडवाइस देता हूं। देखिए आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हो, मुझे पता है मेरे साथ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी के सीपीओ एग्जाम के लिए जुड़े हुए हैं, बहुत से बच्चे जो ये क्लास देखते हैं सीपीओ के लिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीएचएसएल के लिए क्लास को देखते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सीजीएल देना है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो एमटीएस भी देना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिसको पैट का एग्जाम देना, पीईटी का एग्जाम देना है। तो आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं बेटा, आप पढ़ना मत छोड़िएगा, ये मत सोचेगा कि हम लोग क्लास अब बंद हो गई, यहाँ पे 20 तारीख को बंद हो जाएंगे तो हम इंग्लिश कहां से पढ़े, पढ़ना मत छोड़िएगा आप लोग, पढ़ना तो पढ़ना है भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। आज आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई है, मुझे पता है आपके मैक्सिमम बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे छोड़ देंगे तो आगे एग्जाम निकाल देंगे, एक सिंगल डे भी नहीं छोड़ना है। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप मेरी क्लास में आइए, नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने, अब मैं कहता हूं आप डेली सेल्फ स्टडी कीजिएगा, डेली क्वेश्चंस लगाइएगा, जो बुक आपको मैंने बताई है उन बुक से डेली के एग्जाम लगाइएगा। मैंने नहीं कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में लाइव आओ, मुझे लाइव वॉचिंग यहाँ पे दिखानी है, नहीं चाहिए भाई,
मुझे वो चीज दिखानी है जिस दिन सिलेक्शन होगा। बस एक दिन लाइव आके यहाँ पे आके ये बोल देना कि सर हमने इसी चैनल से, आप अनिल का नाम भी मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बोल देना हमने इस चैनल से आप सभी के सहयोग से क्लासेस लेके हम लोगों का सिलेक्शन हो गया, बस इतने से ही काम चल जाएगा, समझ गए ना। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा, मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि छोड़ना नहीं है, छोड़ने का सोल्यूशन नहीं होता है, या तो सेल्फ स्टडी इतनी अच्छे से कीजिएगा कि आपका एग्जाम निकल जाए। मैंने बहुत से बच्चे देखे जिन्होंने इंग्लिश में 22-23 अटेम्प्ट किए हुए हैं, है ना। तो आपका यदि 22-23 अटेम्प्ट, इसका मतलब समझते हो कि आपका एमटीएस उंगलियों पे निकल जाएगा। आप यदि थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लोगे, डेली इंग्लिश का एक दो मॉक लगाओगे, खुद अपने हिसाब से अनसीन पैसेज या क्लोज लगाओगे, तो मैं कहता हूं आप सीजीएल में भी 25 में से 25 लगा दोगे, और पक्का वायदा है, डन है, 25 में से 25 भी सही होगा, ठीक है। छोड़ना नहीं है आपको, जो बुक आपको बताई गई है, चाहे वो ब्लैक बुक हो, चाहे एमबी पब्लिकेशन हो, जो भी बताया गया है, आप उनको फॉलो कीजिएगा, आप लगाइएगा। यदि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें तो ना वीडियो देख के जोश आता है, आपकी क्लास देख के हमें ऐसा लगता है कि भाई हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो आप सभी को मैं बता देता हूं, कल से टॉपिक वाइज पहला न्यू बैच आपका स्टार्ट करने वाला हूं, टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यदि आपको लगानी है तो कल हम लोग लगाएंगे 11 AM पे टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। जो बच्चे एमटीएस के हैं, जो सीएचएसएल के हैं, सीजीएल के हैं या सीपीओ के हैं, है ना। तो भाई चैनल का नाम मैं बताता हूं, हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल, इस चैनल पे क्लास होगी, सभी बच्चे आप इस पे आइएगा, टाइमिंग है 11 AM, पहली क्लास है, कल नया बैच आपका स्टार्ट होगा, यूट्यूब पे स्टार्ट होगा, कोई फीस नहीं है, ठीक है। यदि पेड पढ़ना चाहते हो, पेड बैच लेना चाहते हो, तो आप ज्ञान बैच कल एमटीएस का लॉन्च हुआ है, बढ़िया बैच है, बढ़िया टीम आपको वहां पे दी गई है, आप वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा दे हैड ऑफन हियर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल ऑन। तो यहां पर यदि मैं देखता हूं, मुझे एमटीएस एग्जाम देना है, मोहन भाई मैंने आपको बता दिया CISF क्लास लगा दो सर जी, CISF के लिए मैं बोलता हूँ बेटा, CISF की शायद हम लोगों की चली हुई है, एक चैनल है हम लोगों का डिफेंस में आर्मी के नाम से, आर्मी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, एक बार ना आप इस पे जाइएगा, और इस पे शायद CISF की क्लास चली हुई है, वहां पे इंग्लिश फैकल्टी आपको मिल जाएंगे बच्चे, आप वहां से क्लास ले लेना, ठीक है। सभी टीचर्स अच्छे होते हैं भाई, आप जहां से भी पढ़ोगे आपको अपना द बेस्ट आपको देना है, टीचर कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो मन से नहीं पढ़ाता होगा, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, बस आप अपना बेस्ट आप लोग दीजिएगा। सीपीओ के लिए लेना है सर आपकी क्लास, हाँ सीपीओ के लिए मैंने बता दिया बच्चे 11 AM कल पहली क्लास होगी, बिल्कुल 20 दिन में सिलेबस आपको दे दूंगा, आने वाले 20 दिन में, है ना, एक दिन में एक टॉपिक आपको बता दूंगा। नहीं बिल्कुल आसान है आदित्य भाई, इंग्लिश का जो पेपर आया हुआ दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का, जो PYQ आपको देने लगा हुआ, इन्हीं में से डिक्टो कॉपी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम चीजें पूछी गई है। आपके बैच में एक लड़की थी काजल सिंह, शायद आपको भी नाम याद होगा, कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने काजल सिंह को आपके यहाँ पे देखा है, कल उन बच्चे का यहाँ पे ऑफिस में फोन आया है, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि इंग्लिश के मैंने 23 क्वेश्चन किए हैं, और 23 के 23 क्वेश्चन में एक क्लोज टेस्ट आपको छोड़ दो, क्योंकि भाई साहब उसमें तो कुछ भी डाल सकते हैं, बाकी यदि 18 क्वेश्चन देखा जाए, उसने कहा 18 के 18 क्वेश्चन SSC ने PYQ पूछा है जो इंग्लिश की क्लास में थे, है ना। अब आप देख लो, वो लड़की अच्छा पढ़ती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और सीपीओ का भी बोलता हूं, सीपीओ का मेंस भी दोगे ना 200 क्वेश्चन मेंस में आएंगे, 200 में से ज्यादा तो कहता नहीं भाई, लगभग 120 से 130 क्वेश्चन आपके फंसवा दूंगा, 120 से 130 क्वेश्चन यूं के यूं फंसवा दूंगा। बहुत जल्द वो कैब की क्लास स्टार्ट करूंगा अलग से, अभी थोड़ा सा दिवाली से पहले स्टार्ट हो जाएगी, इतना ही पक्का है, ठीक है, चलेगा। दे हैड ऑफन, बेटा ऑफन यहाँ पे एक एडवर्ब है, और एडवर्ब को हमेशा यहाँ पे वर्ब से पहला रखा जाएगा, क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना, इनको हमेशा वर्ब से पहले रखा जाता है, इनको हमेशा वर्ब से पहले रखा जाएगा, जैसे ऑलवेज होता है आई ऑलवेज डिसाइडेड, ऐसा होता ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे ऑफन हैड आना चाहिए, दे ऑफन हैड यहाँ पे कहना सही होगा, बताइए समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया। ओके
बहुत ही बढ़िया अभिनंदन भाई, अभिनंदन सर का लाडला। ठीक है भाई, अच्छे से एग्जाम दीजिए बच्चे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एग्जाम निकाल के भी आओगे। ठीक है, मेरा 2 PM है, थर्ड शिफ्ट में क्या लिखा है, अच्छा 2 को एग्जाम है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, आग लगा दो तुम लोग। अब तुम लोग नालायक को मुझे बताते नहीं हो कि एग्जाम कैसा गया। बड़ा गंदा लगता है जब तुम लोगों का ये फीडबैक होता है, जिस इंसान ने तुम लोगों लिए दिन रात मेहनत की है ना, क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए बताओ। अपने पर्सनल बैच अपने छोड़ दिए हैं, है ना, जो मुझे CGL CPO के बैच मिलने वाले हैं, कसम से पूछ के देखना ऑफिस मैनेजमेंट में, भाई अनिल सर ने क्यों CGL CPO का बैच छोड़ा। सभी बोलेंगे भाई उनका फोकस दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल पे था। एक दिन बता दो सिंगल डे अनिल की वजह से, ऑफिस की वजह से तो अलग है, अनिल की वजह से एक दिन भी आपकी क्लास मिस हुई हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो और चाहे आपका यूट्यूब हो, एक कोई बच्चा बता दो कि सर उस दिन आपने क्लास नहीं ली। ऑफिस की कोई वजह तो अलग चीज है, मेरी कोई वजह तो आप बताओ, नहीं होगी ना। अगली चीज, एप्लीकेशन के बच्चों या आप हो, कोई एक बच्चा मुझे बता दो कि आपका टाइम 12 PM था आपका YT पे और आपका लगभग 8 या 9 बजे था मेरा एप्लीकेशन पे। कोई एक बच्चा ऐसा हो जो बता दो कि आप 12:02 पे आए हो। कोई एक बच्चा ऐसा बता दो कि आप कहते हो 9:01 पे आए हो। भाई हमेशा ऑन टाइम क्लास हुई है, इससे ज्यादा पंचोल में अपनी लाइफ में नहीं हो सकता और न कभी हुआ था। ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया, ओके। कोशिश कीजिए सभी बेटा, आप लोगों की मैसेज देख लिया मैंने, आगे नहीं है, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। कोई बात नहीं रितेश भाई, मेहनत कीजिए, मेहनत तो अच्छी होगी बेटा, एक ना एक दिन सक्सेस आपको पक्का मिलेगी ना, सक्सेस आपको पक्का मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बताइएगा, यहाँ पे क्या आएगा। इन्होंने कहा लुक एट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू, कुछ अजीब सा लगा हुआ है ना, ऐसा लगा कि यार क्या पूछ लिया। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एंड डू लाइक आई डू, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए था यार, व्हाट ही लगा के यहाँ पे भी देना चाहिए, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई डिड, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है ये सेंटेंस यहाँ पे आपका गलत होगा, यहाँ पे लास्ट वाले में जो लिखा हुआ है ये डू लाइक आई डू गलत है, यहाँ पे इसकी जगह लिखना चाहिए उन्होंने व्हाट लगा के कुछ ना कुछ। हाँ ध्यान से एक एक बच्चा, बेटा मेरी क्लास कभी मिस होती नहीं, आप कभी भी देखो कभी क्लास मिस मिलेगी नहीं आप लोगों को, कभी भी नहीं मिलेगी किसी भी हालात में। चलिए आगे समझ में, ओके, देखिएगा ध्यान से कोशिश कीजिएगा। यहां पे मुझे लगा देखो जैसे ना व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं क्या कर रहा हूं या मैंने क्या किया, यही तो है। लुक एट मतलब आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैंने किया, है ना। तो यहां पे डू लाइक आई डू नहीं आएगा, यहां पे आना चाहिए व्हाट आई डिड, यहां पे आना चाहिए। मुझे लगता है व्हाट आई डिड कहना यहाँ पे सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक कहते हैं कि टिपिकल एक टफ लेवल होता है क्वेश्चन का, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछ सकता है। आपसे पूछा गया बेटा एंटाइस का सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से बताइएगा एंटाइस का सिनोनिम क्या होगा। एक एक बच्चा ध्यान से, एंटाइस का सिनोनिम क्या होगा, कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से बताने की। वाह भाई साहब लाजवाब, देखो सभी के जवाब आना स्टार्ट हो चुके हैं। कोशिश कोशिश सबकी अच्छी हो, बिल्कुल भाई साहब, ओके, आ गया सभी का लाजवाब, सभी बच्चे एक एक बच्चा। आदित्य थैंक यू सो मच भाई, है ना, आदित्य एक जिसने थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ आपने मेहनत की है, बाकी तो सब यहाँ पे कंजूस हैं, लालची हैं, है ना। चलिए लालची से मुझे याद आ गया, एंटाइस का मतलब ही लालच देना, एंटाइस का मतलब बेटा लालच देना, लालच देना या प्रलोभन बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन देखा जाए तो मुझे लगता है, एक बार देख लेता हूँ मैं इसका सिनोनिम एंटोनिम कुछ ऐसा ना हो कि हम लोग फंस जाएं, है ना। ठीक है, सिनोनिम ही पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया, यदि सिनोनिम पूछा गया तो यहाँ पे इनरेज कहना आपका सही हो जाएगा, इनरेज कहना आपका यहाँ पे सही होगा। एक वर्ड होता है ल्योर, LURE, ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक वर्ड होता है बेटा टेम्प्ट वर्ड होता है TEMPT, टेम्प्ट वर्ड होता है, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसको भी आप लोग लिख लेना। चलिएगा बहुत ही बढ़िया लाजवाब, ओके, कोशिश कीजिए आप लोग सभी बच्चे अच्छे से पढ़ने की। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, यहां पे बोला गया इनगल्फ का मतलब क्या होता है, इनगल्फ का सिनोनिम आपसे पूछा गया। CGL एग्जाम का 6 जून को एग्जाम हुआ था 2019 के एग्जाम में, इनगल्फ का पूछा गया सिनोनिम क्या होगा,
बहुत ही बढ़िया। इनगल्फ का मतलब कि किसी चीज को निगल लेना, निगलना बोल सकते हो, निगलना किसी भी चीज को आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन सी यहाँ पे बच्चों का जवाब आया हुआ है, ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन सी। ओके ओके बहुत ही बढ़िया लाजवाब, ठीक है। देखिए जब कल जिसका भी एग्जाम है ना बच्चे, वो मुझे मैसेज कीजिएगा। जैसे आज एक बच्चे ने कल मुझे पहले बता दिया था कि सर मेरा कल एग्जाम है, इतने बजे एग्जाम है, उसने मुझे एडमिट कार्ड भी भेज दिया, उसका मोबाइल नंबर आ गया। तो आज जैसे उसका एग्जाम हुआ हमने उससे बात की है ना, उससे बात करके हमने बताया, पूछा भाई कैसा एग्जाम था, कितने अटेम्प्ट किए, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे किया है ना। आप भी अपना बता सकते हो, उससे बेनिफिट होता है ना, बच्चों आने वाले को बेनिफिट होता है, और हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे एंड टाइम पे आके साथ दिया ना। तो इनगल्फ का मतलब निगलना, किसी चीज को कवर करना हो जाएगा, तो एनवेलोप यहाँ पे कहना सही होगा, एनवेलोप यहाँ पे ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। लपेटना भी बोल सकते हो, किसी चीज को लपेटना भी इनगल्फ हो सकता है, चलेगा। एक्सोल्ट वर्ड गिवन है, एक्सोल्ट का बेटा पूछा गया है आप लोगों से सिनोनिम क्या होगा। एक्सोल्ट का मतलब होता है एक प्रशंसा करना है ना, एक प्रशंसा, एक खुशी टाइप का वर्ड हो गया। तो यहाँ पे जाओगे खुशी टाइप का वर्ड है, तो मुझे लगता है सभी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाना चाहिए, एक एक बच्चे का यहाँ पे आ जाना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, हाँ मेरा नोएडा में है सर, आ जाना, ठीक है भाई साहब आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना है ना, एडमायर आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, एडमायर वर्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, चैलेंज नहीं होगा। कंडेम वर्ड होता निंदा करना, तो यहाँ पे कंडेम तो नहीं आएगा है ना, चैलेंज नहीं होगा, ये भी नहीं आया, किसी चीज को निकालना होता है। चलिए आगे चलते बेटा, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सभी जानते हो भाई, हम लोगों का एक ही ऑप्शन है बच्चे, एक ही चीज हम लोगों की यहाँ पे, क्या आप भी अच्छे से समझते होगे, और शायद मुझे भी अच्छे से भाई मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि ये वो चीज है, बहुत से बच्चे कहते भी आपने पहले क्यों नहीं बताया है ना, बहुत से बच्चों को लगता है सर आपने पहले हमें क्यों नहीं, ये बातें हमें क्यों नहीं बताई, प्लीज आप हमें बता देते, ऐसी बातें हमें भी पता लग जाता तो आपको भी बता देता हूँ बेटा। अपना देखो एक ही मकसद है आपका भी और हम लोगों की, सिलेक्शन। भाई सिलेक्शन कैसे हो, अच्छा लगता है जिस दिन आप लोग आके बोलते हो कि आज हम लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो आपने क्या किया, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की कोशिश की आप लोगों ने, कोशिश की, और बहुत से बच्चे कामयाब भी होंगे मुझे पता है, और मुझे ऐसा लगा कि मैक्सिमम सिलेक्शन होंगे एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि बहुत तगड़ी मेहनत की है पिछले 5 महीनों में आपने भी, और कहीं ना कहीं हमने भी की होगी है ना। हाँ तो भाई एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक ना हम लोग का बैच आया मिशन वर्दी के नाम से, मिशन वर्दी के नाम से, इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, मिशन वर्दी। और इसका क्या बेटा, ये बैच है, आप एप्लीकेशन पे जाओगे, जैसे बैच आप लोग लेते हो वैसे इसको लेना, वहां पे एप्लीकेशन पे जाओगे, मिशन वर्दी पे क्लिक कीजिएगा, उसमें एक बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले उसको बुक कीजिएगा, और बुक करने का कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है भाई, कुछ भी कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना, ठीक है, कोई भी पैसा। विकास कहता है सभी लड़कियां तथा जो लड़की लड़के बने हुए हैं, बेटा क्या मतलब है, सभी को शुभकामनाएं, अरे छोड़ शुभकामनाएं, मुझे दे दे शुभकामनाएं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, न आपकी मैम ने खाया, हमें दे दे शुभकामनाएं बेटा, बाकी को क्यों शुभकामनाएं देता, अपने आप खुद पे ध्यान देना। देखिए तो आप सभी बच्चे इस बुकिंग वाले जो बैच, इसको बुक कर लीजिए भाई, बहुत बेनिफिट मिलेंगे लाडलो इसके, एक तो कोई फीस नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा, आगे मान लिया कल इंग्लिश का कोई बैच आ गया, मान लिया इंग्लिश का कोई बैच आ गया, और वो बैच हमने क्या किया, मिशन वर्दी में डाल दिया, भाई ये इसी में बैच है, तो उस बैच में आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब जो बैच इस मिशन वर्दी में आएंगे और आपका लेने का मन हो गया तो उस पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा है ना। उसके बाद सबसे मेन चीज, पैसा मेन नहीं होता, सबसे मेन चीज है बेटा 15 मॉक आपको मिलेंगे, 150 प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, ठीक है, उसके बाद क्लास पीडीएफ आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं बोलने लगा हूं, आपको ऐसे लगा हुआ 15 मॉक की कीमत समझते हो ना, एक एक मॉक सोच समझ के बनाया जाता है आपके एग्जाम लेवल का, और 15 मॉक यदि आप लोग लगा लोगे भाई तो आपको पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है, और उसी के बिहाफ पे अपनी कोचिंग स्टार्ट कीजिए, उसी के बिहाफ पे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आगे जाओगे क्लास पीडीएफ हो गया, क्लास क्विज यहाँ पे आ गया, क्लास क्विज का मतलब समझते हो भाई, मैंने आज नाउन का टॉपिक पढ़ा दिया, नाउन के टॉपिक के 20 क्वेश्चन की क्विज बना के मैंने डाल दी, अब आपके 20 में से 20 आते हैं, 10 आते हैं, 5 आते हैं, उससे आपका लेवल डिफाइन होगा, एक आपने जो अटेम्प्ट किए, बाकी बच्चों ने जो अटेम्प्ट किए, उन बच्चों में आपकी रैंक क्या है, ये बहुत बड़ी चीज होती है।
उसके बाद आपको क्या मिलेगा, मैगजीन्स आपको मिलेंगी, बहुत ही अच्छी चीज है। आगे जाओगे 30 प्लस पीवाईक्यू आपको मिल गया। उसके अलावा बेटा 50 प्लस आपके प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया चीज है भाई, बड़ी चीज है, कोशिश कीजिए सभी ना। चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन आपका बच्चे से सोचते होंगे सर इतना टाइम ले लिया आपने, कोई बात नहीं बेटा, अब तो आपसे बातें भी हो गई ना, आपसे बातें भी हो गई, आपके आपको भी पता लग गया कि अब अपना बैच एंडिंग में जा चुका है। एग्जेम्प्ट का पूछा गया बेटा सिनोनिम क्या होगा, एग्जेम्प्ट का सिनोनिम क्या होगा। एग्जेम्प्ट क्या होता है, कोई भी चीज मुफ्त में देना, मुफ्त कर देना, मतलब मुफ्त कर देना, मुफ्त करना मतलब जैसे बोलते ना भाई एग्जेम्प्ट आपका लड़कियों के की जो एसएससी की फीस होती है उसको एग्जेम्प्ट किया गया। ओके चलिए ओके देखिएगा यहां पे समझा। एग्जेम्प्ट सबसे पहली चीज आपको समझनी है, एसएससी ने हमेशा एग्जाम में पूछता है जो वर्ब होती है बेटा एग्जेम्प्ट यानी कि एग्जेम्प्टेड वर्ब है, इसके साथ में जो प्रेपोजिशन होता है वो हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। पहला केस हो गया यार। सेकंड केस क्या बेटा, सेकंड केस है एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कोई चीज मुफ्त में करना, मुफ्त में देना कोई भी चीज। तो इसका पूछा जाएगा आपसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाएगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सक्लूड, हो जाएगा एक्सक्लूड यहां पे हो जाएगा, बताइए एक्सक्लूड आपका हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया एक्सक्लूड ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। चले आगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, ध्यान से एक एक बच्चा ध्यान से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्लीज आप लोग ध्यान से चेक कीजिएगा, इसका पूछा गया सिनोनिम क्या होगा, बहुत ही बढ़िया। सर ई अल्फाबेट ज्यादा आते हैं तो सिनोनिम, हाँ अच्छा ई अल्फाबेट के ज्यादा सिनोनिम आते हैं, ओके एक्सक्लूड होगा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। ओके देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा जो आसानी से टूटने वाला होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला गया फ्रेल का सिनोनिम क्या होगा, ध्यान से कोशिश कीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ था, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, फ्रेल वर्ड आपसे पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है बेटा जो बहुत ज्यादा वीक होता है, जो बहुत ज्यादा कैसा होता है, कमजोर होता है, वीक होता है, यानी कि वीक यहाँ पे आपका आ सकता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे वीक ऑप्शन आपका हो सकता है, यानी कि देखा जाए फीबल ऑप्शन आपका आ जाएगा, फीबल यहाँ पे वर्ड आपका आ सकता है, वीक हो सकता है। और एक वर्ड होता है फिल्मसी, एफ एल आई एम एस वाई, इसको पक्का लिख लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, फिल्मसी आपका आ सकता है, ठीक है, इसको पक्का लेना, फिल्मसी को लिख लेना। वीक आपका हो गया, फ्रेज आपका हो गया, फीबल आपका हो गया। आपके एग्जाम में एक वर्ड पूछा गया था फीकल, फीकल वर्ड पूछा गया था, एफ आई सी के एल ई, फीकल वर्ड पूछा गया, इसका मतलब होता है बेटा चंचल होता है, है ना। और इसका पूछा गया था एंटो क्या होगा, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ गया फीकल यहां भी आ गया, फीकल का सिनोनिम क्या होगा, फीकल का सिनोनिम, फीकल का मतलब जो चंचल होता है बेटा, जो आपका अनस्टेबल होता है ना, जो स्टेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहां पे आ जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही होगा, जो आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। चले अनस्टेबल यहां पे हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, एक वर्ड हो जाएगा, वोलेटाइल भी हो सकता है यार, वोलेटाइल हो सकता है ना, वोलेटाइल भी आप इस यहां पे ले सकते हो, वोलेटाइल वर्ड भी यहां पे आपका जा सकता है, वोलेटाइल ऑप्शन भी आपका यहां पे आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां पे एक वर्ड गिवन है, बताइएगा इसका मतलब क्या होगा। फॉसिलाइज का पूछा गया सिनोनिम क्या होगा, फॉसिलाइज का सिनोनिम क्या होगा, ध्यान से एक एक बच्चा सोच समझ के, फॉसिलाइज का सिनोनिम क्या होगा। भाई साहब मैं बताता हूं, ये जो क्वेश्चन था ये आपका एसएससी का सीजीएल का क्वेश्चन था, सीएचएसएल का, सीएचएसएल का और सीजीएल में भी आया हुआ है, 2017 में सीजीएल में भी आया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं सभी बच्चों को, क्या ध्यान से देखिएगा, इसका सीजीएल ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, छोड़ दिया, इसके नंबर सभी को मिले, इसके नंबर सभी बच्चों को दे देते। तो मैं भी चाहता हूं आप एक बार इसकी मेहनत कीजिएगा, आप इसे गूगल पे डाल के इसका सिनोनिम मुझे ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, सभी बच्चे, ठीक है, एक या दो जो भी होंगे आप सभी बच्चे इसका सिनोनिम मुझे ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं, फेमिस्ट का पूछा गया सिनोनिम क्या होगा, फेमिस्ट का सिनोनिम क्या होगा, ध्यान से एक एक बच्चा सोच समझ के, फेमिस्ट का सिनोनिम पूछा गया, इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा भूखा होता है,
भूखा, एक तो वैसे तो भूख लगी भाई, खाना नहीं खाया भूख लगी, एक वैसे कहते हैं ये बड़ा भूखा इंसान है, बड़ा भूखा इंसान है ना, तो इसका मतलब भूखा। भूखा का ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। चलिए आगे बेटा, यहाँ पे पूछा गया कंटेंट का सिनोनिम क्या होगा, कंटेंट का सिनोनिम क्या होगा। कंटेंट देखा जाए खुश होना भी होता है, कंटेंट का मतलब एक प्रसन्नता जिसको हम बोलते हैं, एक खुश होना जिसको हम लोग बोलते हैं, कहते हैं ये बंदा यार खुश है, बहुत ही बढ़िया, ये बंदा बहुत ज्यादा क्या खुश है। चलिए हाँ चलिए हो गया। ओके सर, बहुत ज्यादा मेहनत करी है, साथ में कल एग्जाम है, अब आपका आपकी ब्लेसिंग चाहिए। बेटा हम लोगों की ब्लेसिंग तो आपके साथ वैसे ही है, जो जिस टीचर से आप लोग पढ़े हुए हो, और वो टीचर अपने स्टूडेंट के लिए यही सोचेगा कि उसका एग्जाम द बेस्ट जाए, वो आके बस यही बोले कि सर हम लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, फाइनल होगा। आज हमने दो बच्चों से बातें की एनालिसिस में, और दोनों बच्चों ने 87 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने सुना होगा तो बच्चों ने क्या क्या बोला, सभी सब्जेक्ट के लिए आपने भी देखा होगा ना। एक अपने क्या नाम शशांक सर की 5 6 घंटे क्लास थी, मैं कहता हूँ उस क्लास को देख के चले जाना भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन उस क्लास में से आए हुए हैं, ये बच्चों का कहना है ना, तो इसका मतलब है बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, तो कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। हाँ जिसका कल एग्जाम है ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा कि कल हमारा एग्जाम है, और कोशिश कीजिएगा मुझे आपका नंबर दीजिएगा कहीं ना कहीं, है ना, मुझे मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक पे अनिल के नाम से, ताकि आपका मोबाइल नंबर मेरे पास आ जाए, कल आपसे बात हो जाए, ठीक है, कल आपसे बात हो जाए, और जैसे बात होगी तो हम बच्चों को क्या बता देंगे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसका मतलब जो कहते हैं ना कि यार ये बंदा बिल्कुल संतुष्ट है अपनी लाइफ से, कहते हैं संतुष्ट है, खुश है ना, तृप्त जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अंदाजा लगाइए इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा, इसका एंटोनिम बताना भाई, इसका ना लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, ये गलत करके, इसका एंटोनिम आपको बताना, 17 का एंटो पूछा गया, एंटोनिम बताना है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन आएगा नहीं, एंटोनिम बताना बच्चे, इसका एंटो क्या होगा। आज आसान पेपर था, आज बहुत ही आसान पेपर था, ऐसा ही होगा, एंटो पूछा गया, इसका एंटोनिम बताना आपको जल्दी से, इसका एंटोनिम क्या होगा, कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। हाँ टेलीग्राम पे हूँ बेटा मैं, टेलीग्राम से आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, बाकी मैं बहुत ही कम चलाता हूँ, बाकी आप लोग मुझे बता सकते हो, टेलीग्राम पे भी हूँ मैं, ठीक है, आप बताइएगा, क्योंकि आपसे जितनी बातें होंगी भाई एग्जाम कैसा हो उतना बाकी बच्चों को बेनिफिट होगा, अब बाकी बच्चों को नहीं हमें बेनिफिट होता है भाई, अब क्या समझाएं, जैसे आपको पता है कि प्रीति मैम ने क्या किया भाई, आपके एम एक्सएल से पूछे गए क्वेश्चन 2010 के ना, एम एस एक्सेल से पूछे गए थे या एम एस वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैम ने क्या किया, पहला एनालिसिस देखते ही एक 1.5 घंटे क्लास देती, उसी टाइम पे 1.5 घंटे क्लास देती, और उस क्लास में से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस गए, है ना, तो ये चीज है हमें भी बेनिफिट होता है, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम देखा जाए डिप्रेस्ड हो जाएगा जो बंदा दुखी होता है। चलिएगा आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे बोला गया कंजॉइंट का मीनिंग पूछा है, एंटो पूछा गया, कंजॉइंट का एंटोनिम पूछा गया, तो यहाँ पे बताइएगा इसका एंटोनिम क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने की, कंजॉइंट का यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा, बहुत ही बढ़िया लाजवाब, एक एक बच्चा ध्यान से। टेलीग्राम का एक दिन हम ऑप्शन देते हैं बेटा, मैसेज करने का एक दिन आपको ऑप्शन देते हैं, आज ऑप्शन देखता हूं मैं, यदि दिया गया जो अपना टेलीग्राम चैनल है हरीश का, क्या नाम है, दिल्ली पुलिस का, एग्जाम को दिल्ली पुलिस का, उसमें एक दिन आपको दिया जाएगा मैसेज करने का, ज्यादा मैसेज मत करना कि लग जाओ ये ऐसा मैसेज मत करना प्लीज, केवल कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसमें टीचर भी ऐड है बच्चे भी ऐड है भाई, है ना, तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा मैसेज मत कीजिएगा। कंजोइन का मतलब होता है बेटा एक एकत्रित होना, इकट्ठे हो जाना, इकट्ठे होना, संयुक्त हो जाना, एक कहते हैं सम्मिलित हो जाना, तो सेफर का मतलब होता है अटैच न होना, मतलब अलग अलग हो जाना, है ना, तो सेफर का मतलब अलग हो जाना, जुदा हो जाना आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, कैमियो का पूछा गया आप लोगों से एंटोनिम क्या होगा, कैमियो का एंटोनिम क्या होगा, ध्यान से कोशिश कीजिएगा इसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है एक तीखा, उल्टा सुलटा बोल सकते हो, ऊबड़ खाबड़ बोल सकते हो, ऊबड़ खाबड़ भी बोल सकते हो इसका मतलब, है ना, ऊबड़ खाबड़ कभी कभी जमीन ऐसी होती है, तो इसका एंटोनिम पूछा गया ना, तो मुझे लगता है प्लेन ऑप्शन कहना आपका बिल्कुल सही होगा, प्लेन ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे जाओगे कास्टिगेटेड का पूछा गया सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा, कास्टिगेट करना किसी को, है ना, कास्टिगेट करना किसी को, कहते हैं भाई इस बंदे ने बहुत कास्टिगेट किया सामने वाले को,
कास्टिगेट का सिनोन एंटोनिम पूछा गया, मुझे लगता है ऑप्शन ए पे सभी बच्चों का ध्यान जाएगा, ध्यान से। हाँ कास्टिगेट करना, ओके ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। हाँ कास्टिगेट का मतलब बोल सकते हो बेटा किसी को नीचा दिखाना बोल सकते हो, दंड देना भी बोल सकते हो, दंड देना सजा देना कास्टिगेट होता है ना, सजा देना। और अप्रूव का मतलब किसी को एक अप्रूवल देना, स्वीकार करना किसी को चीज, है ना। तो ऑप्शन ए है, इसके अलावा मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं आएगा, चलेगा। आगे यहाँ पे बोला गया कंसेप्शन का एंटोनिम क्या होगा, नए वर्ड है आज, कंसेप्शन का एंटोनिम क्या होगा, ध्यान से एक एक बच्चा सोच समझ के कंसेप्शन का एंटोनिम क्या होगा, बहुत ही बढ़िया। हाँ वाह भाई साहब वाह, आज तो तुम लोगों ने सेशन को लाइक भी नहीं किया हुआ, अब मतलब ऐसी बात आ गई क्या कि जैसे जैसे भाई साहब बैच खत्म होगा लाइक करना छोड़ दोगे आप लोग, है क्यों लाइक नहीं किया हुआ और नए सेशन को शेयर किया आज आप लोगों ने, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना। सेशन फैला दिया करो भाई साहब कि इसकी क्लास देखो तभी जाके कुछ हो पाएगा। कॉन्सेप्शन होता है बेटा एक कल्पना टाइप में, है ना, कल्पना बोल सकते हो या अवधारणा बोल सकते हो या कल्पना बोल सकते हो आप लोग, ये आप लोग बोल सकते हो, इमेजिनेशन टाइप आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। तो मुझे लगता है इसका पूछा गया है आपसे एंटो, तो फैक्ट हो जाएगा, फैक्ट कहना हो जाएगा, नोशन नहीं आएगा बच्चे, नोशन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जिसने लाइक नहीं किया अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। आगे बचाओगे डाइवर्स का पूछा गया आप लोगों से एंटोनिम क्या होगा, ध्यान से मुझे लगता है सभी बच्चे यहाँ पे अच्छे से जवाब देंगे, तो इसका एंटोनिम भी बता देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आगे सभी का बहुत ही बढ़िया। देखिएगा यहाँ पे जाओगे डाइवर्स का मतलब होता है बेटा कहते भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न टाइप का, अलग अलग टाइप का जूता, भिन्न भिन्न अलग अलग टाइप का, तो हमें बताना है इसका एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल कहना सही होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे बोला गया डिसअप्रूव का एंटोनिम क्या होगा, डिसअप्रूव करे किसी चीज को, डिसअप्रूव करना, मुझे लगता है यहाँ पे देखा जाए अपोज करना भी एंटोनिम है, मतलब एक नेगेटिव मीनिंग है। यहाँ पे जाओगे रिफ्यूज भी मना करना और नेग्लेक्ट भी मना करना, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते डिसअप्रूव के, तो बच गया एक ही ऑप्शन प्रशंसा करना, तो कमेंड ऑप्शन आ जाएगा, कमेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, चलेगा। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड पे, यहाँ पे गिवन है डिसेबल, तो यहाँ पे बताइएगा यहाँ पे इसका क्या आएगा। डिसेबल होता है तो किसी को गुप्त रखना, डिसेबल कहते हैं इसको डिसेबल कर दिया भाई, वो दिखेगा ही नहीं, इसको डिसेबल कर दिया, इसको मतलब क्या कर दिया, इसको भाई साहब बेकार करना ही बोल सकते हो, किसी को बेकार करना या असमर्थ करना कुछ ऐसा बोल सकते हो, है ना, कहते हैं यार इसको डिसेबल किया गया, इसको ये चीज अब दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे जाओगे देखो डिस अलाउ एक नेगेटिव, डिस डिस आ गया, देखो डिस डिस आ गया, तो इस सिनोनिम का काम करेंगे। पूछा गया एंटोनिम, रिफ्यूज का मतलब ही मना करना, तो एक ही पॉजिटिव वर्ड आपको मिलेगा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही दिमाग आपको वहां पे लगाना है। आगे जाओगे बेटा यहाँ पे बोला गया डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का एंटोनिम आपसे पूछा गया, डिस्प्यूट को ध्यान से देखिएगा, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा करना। अब आपसे पूछा गया इसका एंटोनिम क्या होगा, मुझे लगता है ओके ऐप पे क्लास क्यों नहीं होती है, अभी एप्लीकेशन में बच्चे क्लास कैसे होगी, जब आपका सिलेबस ही खत्म हो गया, बैच खत्म हो गया, तो आप क्लास का क्या करोगे आप लोग, बताइए क्लास का क्या करोगे भाई जब सिलेबस ही खत्म हो गया आप तो। ओके देखिएगा यहाँ पे डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, यानी कि झगड़ा करना, इसका मतलब होता हार मान लेना, इसका मतलब हार मान लेना, झगड़ा करना एक अपनी हार मान लेना, स्वीकार कर लेना भाई ठीक है। तो मुझे लगता है एंटोनिम देखा जाए ऑप्शन ए आपका आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेल का मतलब झगड़ा होता है, ओके देखो जो बच्चा मुझसे चाहता है अगेन क्लास को वो किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, अगेन पढ़ना चाहता है भाई, तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा आप सभी के लिए, कल से टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होगी 11 AM पे, हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे ज्वाइन कीजिएगा। जो बच्चा CGL का है, CPO का है, CHSL का है, MTS देना है, है ना, या PET का एग्जाम देना है, या हरियाणा का कोई भी एग्जाम देना है, तो सभी बच्चों के लिए मैं कॉमन क्लास लूंगा वो, और एक अच्छी क्लास होगी बेटा, बहुत डीप में, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। और वही बात है अगले 20 दिन ऐसा जम के वहां पे पढ़ाऊंगा जैसा मैंने दिल्ली पुलिस में पढ़ाया है, ठीक है चलेगा। कल एक बच्चा मिला जिन्होंने एक आईडी बना रखी थी, अनिल सर का लाडला, एक लड़की थी वो,
है ना, अनिल सर का लाडला, एक लड़की थी वो हरियाणा की लड़की थी, उन्होंने आपके इस चैनल पे इस नाम से आईडी बना रखी थी, ठीक है। उनको कल हम लोगों ने नोएडा में भाई साहब मुलाकात हो गई उनसे, अब ऐसे ऐसे होते हैं बच्चे। चलिए आगे चले, यहाँ पे जाओगे डिस्प्यूट का यहाँ पे कंसीड आपका आ गया। आगे जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखना बेटा, इन्होंने कहा था कार पार्क वॉज फुल, जो कार पार्क है बेटा वो क्या बिल्कुल फुल हो गया था। आगे जाओगे इन्होंने कहा सो वी ब्लैंक टू लुक फॉर अनदर प्लेस टू पार्क, इसलिए हमने क्या किया एक अलग प्लेस को खोजा, किस चीज के लिए, पार्क करने के लिए। मैं कहता हूं जहां पे कल जैसे हम लोग नोएडा में गए, ये हम लोगों के साथ भी हुआ, जैसे हम नोएडा में 62 में गए, हम लोग अपनी कंप्लीट टीम गई थी नोएडा 62 हम लोग गए बच्चों से मिलने के लिए। पहले जब हम लोग गए तो हमें गाड़ी पार्किंग की हमें भी जगह नहीं मिली, कहीं जगह ही नहीं मिली, तो हमने क्या किया हम बिल्कुल आगे जाके वापसी गाड़ी को घुमा के तब यहाँ पे ऐसे लेके आए। तो वही इसने कहा भाई कल क्या था गाड़ी जो पार्किंग करने की जगह वो बिल्कुल फुल थी, है ना, तो इसलिए हमने क्या किया एक अलग से कोई प्लेस खोजना पड़ा। आप समझते हो जब ये आपका पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट का यूज होगा भाई, तो पास्ट वर्ब केवल एक ही है, तो हेड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। कोविड फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, कोविड फॉर्म बेटा आपका डाउनलोड हो जाएगा लाडले, कोविड फॉर्म जो आपका एडमिट कार्ड निकालोगे ना उसके एडमिट कार्ड है शायद आपका, हाँ एडमिट कार्ड निकालो ना उसके पीछे एक आपको मिलेगा, उसके साथ में एक वो मिलेगा आपको फॉर्म मिलेगा, उसको निकाल लेना, जहां भी कैफे से आपने एडमिट कार्ड निकाला उसके साथ ही आप कोविड फॉर्म निकाल के खुद उसको फॉर्म को फिल करके चले जाना, ठीक है। चलिए यहाँ पे जाओगे बेटा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे बोला गया भाई सब्जेक्ट आपका गिवन है, यहाँ पे बच्चों को डिफाइन किया गया, आगे बोला गया ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर, भाई बच्चे हैं जो वो अपने पापा की प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं लड़ाइयां करते हैं, भाई ये इतनी मुझे चाहिए, ये मुझे मिलेगा, मैं उनका लाडला था, मैं उनका ये था, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मुझे वैसा मिलना चाहिए ना, तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोग मानते हो ना। अब ऐसी चीजें देखो कभी भी बच्चे क्या हमेशा अपने पापा की प्रॉपर्टी पे लड़ते हैं, तो मुझे लगता है ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे जाओगे 28वां क्वेश्चन देखोगे, इन्होंने कहा सी गिव इंपॉर्टेंट एविडेंस एंड आई फाउंड हर टू बी अ सेंसिबल एंड ब्लैंक विटनेस, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, क्रेडिबल आएगा, इंपोजिंग आएगा, कंक्लूजिंग आएगा, अनलाइकली आएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन को चेक कीजिए आप लोग, ध्यान से क्वेश्चन को, मैक्सिमम आए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आए हुए हैं। देखिएगा इन्होंने कहा सी गेव इंपॉर्टेंट एविडेंस, उसने क्या किया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस दिए, सबूत दिए, गवाह दिए। आगे जाओगे आई फाउंड हर टू बी अ सेंसिबल, हमें क्या मिली वो चीजें सेंसिबल मिली, और क्या मिली जब एक बात हो एंड के पहले बेटा जब पॉजिटिव सेंस है तो एंड के बाद भी कैसी सेंस आनी चाहिए, पॉजिटिव सेंस आनी चाहिए, यही तो एक लॉजिक होता है क्वेश्चंस को निकालने का, जब इसके पहले पॉजिटिव सेंस है तो इसके बाद भी तो पॉजिटिव सेंस आएगा, और पॉजिटिव सेंस आएगा ये नेगेटिव सेंस, अनलाइकली नेगेटिव सेंस, कंक्लूजिव बेटा कोई एविडेंस होता नहीं है, कंक्लूजिंग विटनेस नहीं होता है, तो क्रेडिबल हो सकता है विश्वसनीय जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा। इन्होंने कहा इफ आई ब्लैंक डेट यू फॉर कमिंग ओवर आई वुड हैव कैंसल्ड माय प्रोग्राम, तो यहाँ पे जाओगे देखिए यहाँ पे ब्लैंक आपसे पूछ लिया गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे वुड हैव थर्ड फॉर्म गिवन है, वुड हैव थर्ड फॉर्म आपका गिवन है, यदि वुड हैव थर्ड फॉर्म गिवन है और यहाँ पे क्या पूछ लिया खालिस्तान में पूछ लिया, तो आप जान दो ये कब आएगा जब आपके पास यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, कंडीशनल का क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई किया गया, कंडीशनल का क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका हेड नॉन कहना बिल्कुल सही हो जाएगा, हेड नॉन आपका बिल्कुल फाइनली आपका जवाब होगा। हाँ जिसका कल का एग्जाम है मुझे आज ही मैसेज कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आपका मोबाइल नंबर हमें मिलेगा, तो कल आपसे फीडबैक लिया जाएगा, आपसे बातें की जाएंगी कि आपका एग्जाम कैसे हुआ, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, इन्होंने कहा आई वॉजेंट फीलिंग वेल यस्टरडे बट आई फील अ लिटिल ब्लैंक टूडे, देखिए इन्होंने कहा आई वॉजेंट फीलिंग वेल यस्टरडे, जैसे कल की बात की गई है भाई, कल मुझे ऐसा लगा था कि मैं यार ठीक नहीं हूं, इतना अच्छा नहीं हूं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा लगा कि फीलिंग वेल मतलब टूडे फीलिंग वेल, बट यहाँ पे देखा जाए फीलिंग वॉजेंट फीलिंग वेल मतलब क्या है भाई, मैं अच्छा नहीं था, फीलिंग इल बोल सकते हो, फीलिंग इल यहाँ पे बोल सकते हो, लेकिन आज थोड़ा सा ऐसा लगा कि आज कल से थोड़ा सा ठीक हूं, है ना, यदि कल से थोड़ा ठीक है बेटा तो इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन चला हुआ है कल का और आज का, तो यहाँ पे बेटर कहना आपका सही होगा, बेटर कहना आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके बहुत ही बढ़िया लाजवाब, कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझने की चीजों को,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन्होंने कहा इट इज अ वेन्यू फॉर एवरी ओकेजंस एंड वन डेट ऑफ हर्ष. यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हर्ष यहाँ पे कुछ ऐसा आना चाहिए. ब्लैंक मील्स ऑन स्पेशल डेज. स्पेशल डेज पे मील कैसा होगा, यानी कि पॉजिटिव वर्ड हमें चाहिए. और पॉजिटिव वर्ड मुझे लगता है यहाँ पे डिलाइटफुल एक ही ऑप्शन है. एम्यूजिंग तो आएगा नहीं, एम्यूजिंग कोई फूड नहीं हो सकता है ना, मील्स नहीं हो सकता. तो डिलाइटिंग हो सकता, स्वादिष्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं. तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आ जाएगा. ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. कोई बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, बस मेहनत कीजिएगा, अच्छी खासी मेहनत कीजिएगा. चलिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं आप सभी के लिए. आज की क्लास का होमवर्क, ये बच्चे आज की क्लास का होमवर्क है. आज हम लोग क्लास इतनी लेंगे, हमने 31 क्वेश्चन किए और लगभग टाइम जो लिया वो है. और कल से क्लास मैंने आपको बता दिया है, तैयारी नहीं छोड़ना है. ये मत सोचना कि हमें इंग्लिश सब कुछ आ गई है, अब छोड़ दोगे तो वापिस उसी लेवल पे आ जाओगे जिस लेवल पे आप लोग पहले थे. नंदनी बेटा, कोशिश की जाएगी वहां पे आने का. जब कोई अच्छा ओकेजन होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपसे मिलने के लिए हम लोग सभी आएंगे. ठीक है, अगले चीज, छोड़ना नहीं है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है. समझ आ गया ना. यदि आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है या आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, तो भाई मैं आपको एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, प्लीज आप लोग मेहनत मत छोड़ना. मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी क्लास में आना, नहीं बोलता हूं. जिसका भी समझ में आए, जिस टीचर का भी समझ में आए, उनकी क्लास ले लेना, बट मेहनत नहीं छोड़ना. आपका बेस पहले ये था, आज बेस आपका इतना हो चुका है. आप किसी से भी पढ़ोगे, मुझसे नहीं, किसी से ही पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि अब आपका बेस बन चुका है. जो बच्चा चाहता भी हमें आपकी ही क्लास देखनी है, आपके ही पढ़ के हमें समझ में आता है, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी क्लासेस 11 AM पे कहां पे चलेंगे. ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया. उसके बाद एक चीज मैं आपको जाते जाते पर्सनली बोलना चाहता हूं सभी बच्चों को, ये आप लोग थोड़ा सा उस पर हल्के में मत लिया करो चीजों को, ये बहुत काम की चीज है. ये जो मिशन वर्दी का जो इवेंट है, ये बहुत ही काम की चीज होगी भाई. इसको सभी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा, एक एक बच्चा. यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बुकिंग का ऑप्शन क्या होता है, कोई फीस आपकी यहाँ पे नहीं लगने वाली है. सेकंड थिंग क्या होगा, सेकंड थिंग है बेटा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा. यदि कोई बैच आप लोग लोगे मिशन वर्दी में, तीनों में से कॉम्बो बैच में से 15+ मॉक है, बहुत बड़ी चीज है ये भी. यहाँ पे जाओगे 150+ क्लासेज आपको मिलेंगी, 100 यहाँ पे क्लास PDF, क्लास पेज, मैगजीन्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा. जिस भी बच्चे ने एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी कीजिएगा इस क्लास के बाद. आज ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, देखता हूँ कितने बच्चे ऑफलाइन कमेंट करेंगे आज. बिल्कुल, जितना साथ आप लोगों ने आज तक दिया, आज भी कीजिएगा कि कितने बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया है. कोई फीस नहीं है, आज देखता हूं क्या ताकत है आप लोगों में, कितने बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया है. आज पक्का एक ऑफलाइन कमेंट पक्का कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विदिन 10 सेकंड हो जाएगा कि हमने ज्वाइन किया है, हमने नहीं किया. आप नो भी बता सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं है. यदि किया है तो यस, नहीं किया है तो नो. आप लोग बताइएगा किस किसने बैच ज्वाइन किया है. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद.